लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्रीनिवासन जी। हाँ जी। ना जी, इनाम तो आपका इस बार भी नहीं आया, मगर इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं। इन क्रॉसवर्ड पहेलियों में तो ऊपर नीचे चलते ही रहता है ना, आप लगे रहिए। और हाँ, आपका ब्याज का मनी ऑर्डर भी अभी तक नहीं पहुंचा, शायद कल तक आ जाए। आते ही ला देना। आज तक कभी देरी की है मैंने? लीजिए चिंदुपुरगी जी, आपने मद्रास में नौकरी के लिए अप्लाई किया और मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं, जब मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेके आऊंगा ना, तब मुझे नारियल की खीर खिलाना भूलना मत। आशा है और सब कुशल मंगल है। कुशल? बहुत दिनों से तुमने मनी ऑर्डर ही नहीं भेजा। अरे मेरे प्यारे बेटे, अगर इस बुढ़ापे में भी तुम पैसे नहीं भेजोगे तो कैसे चलेगा? मनी ऑर्डर माजी, भगवान की कृपा से भाई साहब की नौकरी कामकाज सब ठीक चल रहा है। हर महीने की 10 तारीख को एमओ हाजिर। बहुत गर्मी है, एक ग्लास पानी देंगे? छाछ पियोगे? लाऊं? बड़ी मेहरबानी होगी। रुको अभी लाती हूँ। अब्बा, 150 मुदली स्ट्रीट की चिट्ठी है। रामानुजम के लिए? हाँ। जरा दो तो, मैं अभी दे आता हूँ। क्यों, 150 का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं? क्यों नहीं, जमाना बीत गया उस मकान में चिट्ठी पहुँचाते पहुँचाते, तब तो कामाक्षी पैदा भी नहीं हुई थी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैके पहुँचाना है, 10 बजे की गाड़ी है, जल्दी चलो। जल्दी आइए माँ जी, बैलगाड़ी आ गई। मीनाक्षी आई। देखिए रास्ते में तली हुई चीजें मत खाइए और तबीयत का ख्याल रखिए। और चिंता मत कीजिए, आपके पति की हम अच्छी देखभाल करेंगे। आइए इस पे पैर रखिए।
रामानुजम जी, रामानुजम जी, अरे जल्दी आइए। क्या है थनप्पा? मुंह मीठा कराइए साहब, इतने सालों बाद आपकी मन्नत पूरी हुई है। अब लड़की हुई इसलिए दिल छोटा मत कीजिए, लक्ष्मी आई है घर पर और नाम भी कितना सुंदर है, कामाक्षी। चलिए अब इस पर दस्तखत कीजिए, यहां पर, यहां, और फिर मेरी हथेली पर थोड़ी सी चीनी धर दीजिए, यहां। अच्छी ची 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 लो, ये लो। जब से कामाक्षी पैदा हुई है कुछ लोगों की चिट्ठियां पहुंचती ही नहीं। रामानुजम जी आप देखते रहिए, एक दिन ये हमारे देश की पहली पोस्ट मिस्ट्रेस होगी। आजा बेटा, आजा, आओ 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 मेरी नानी बिटिया, आओ आओ, चिट्ठी जल्दी पहुंचा दे, जा जा जा, आओ आओ बेटी। देखा आपने, मैंने कहा था ना। जाइए जाइए, मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा, है ना? टेलीग्राम, कामाक्षी पिताजी को बुलाओ, टेलीग्राम आया है, तेरे चाचा आने वाले हैं। चाचा आने वाले हैं? हाँ बेटे, टेलीग्राम देखो। टेलीग्राम? पोस्टमैन चाचा आपको कुछ पता नहीं? क्या हुआ? वो देखो, वो कौन है? किधर? कौन? उधर। हाँ, आप देंगे? मैं दूंगा। चाचा है? मिस्टर के चारी? हाँ था ना पा, यही। हाँ भाई साहब, अभी जिंदा हूँ। भाई साहब, ये ठीक नहीं किया आपने, टेलीग्राम से पहले ही पहुँच गए, क्यों हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट को बदनाम करने पर तुले हैं आप? नहीं। कामाक्षी, पोस्टमैन चाचा के लिए छाछ ले आओ। आज फिर से कॉलेज जाने में देरी हो गई है। साइकिल ले जाओगे? हाँ। पिताजी को बोलोगे नहीं ना? नहीं बोलूंगा, ले जाओ। अच्छा। और आज उस घर पर देने के लिए एक और जरूरी चिट्ठी है, जाओ दौड़ कर जाओ। प्रिय रामानुजम, मुझे बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि कामाक्षी के विवाह के सिलसिले में वेंकट सुंदरम परिवार से बातचीत करने की हमारी सारी कोशिशें बेकार गई हैं। मैंने तो कामाक्षी के विवाह के पवित्र कार्य के लिए 5,000 की राशि अलग से संभाल रखी है। तुम्हें शीघ्र ही उसके विवाह के लिए कोई उचित वर खोजना होगा। मैं तुम सबसे मिलने आने की सोच रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। कामाक्षी बेटी को मेरा आशीर्वाद देना। अब तो वो 17 वर्ष की होने आ रही है, अब हमें अति शीघ्र ही उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, पर तुम जानते हो बिना तुम्हारे प्रयत्न के ये काम नहीं होगा। जल्दी लिखो इस मामले में तुम क्या कर रहे हो। बहू को आशीष, तुम्हारा चारी। भाई साहब लिखते हैं, वेंकट सुंदरम को भी हमारी बेटी दिखने में अच्छी नहीं लगी। क्या कहा? कामाक्षी सुंदर रही? अरे कैसे अंधों से पाला पड़ा है, रानी लगती है आपकी बेटी, रानी। और बड़े भाई समझते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता। किस्मत ही खराब है, इसकी शादी हो जाए तो हमारे सर पर से बोझ उतर जाए। अब किस किसको नहीं लिखा, हर जगह वही समस्या, कहीं जन्म कुंडली नहीं मिलती तो कहीं दहेज ज्यादा मांगते हैं। लगता है इसके नसीब में अच्छा वरी नहीं लिखा। ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकाली, भगवान ने चाहा तो। जरा इधर आइए। हाँ कहो। मेरे ध्यान में हाँ दिल्ली में एक बहुत अच्छा लड़का है, 200 रुपए आमदनी है उसकी। वो मंदिर वाली गली में मुकुंदा है ना, मुकुंदा, वो उसी से अपनी लड़की के रिश्ते की बात चला रहा था। आप और वो तो मेरे ख्याल से एक ही जात के है ना। पत्र व्यवहार तो चला मगर बात जमी नहीं। पता है क्यों? उन लोगों की आखिरी चिट्ठी एक पोस्ट कार्ड पर आई तो ये लोग बुरा मान गए, हमारा अपमान कर दिया। अब आप ही सोचिए इसमें अपमान करने की क्या बात है। मैंने कितने बड़े बड़े सौदे एक छोटे से पोस्ट कार्ड पर तय होते देखे हैं। वो राजप्पा थे अमेरिका से। छोड़ो,
उस दिल्ली वाले लड़के का पता है? पोस्ट ऑफिस में है, आप वहीं चलिए, वहीं पर चिट्ठी लिख देंगे। हाँ। जन्म कुंडली के बारे में लिखा है ना? हाँ हाँ। पता ठीक है? अच्छी बात है, अब पोस्ट कीजिए। हाँ? पोस्ट कीजिए। हाँ। रामानुजम जी, आज कुछ 100 से ज्यादा चिट्ठियां देनी थी और दिल्ली का मोहर देखते ही मैं सीधे यहाँ आया। अच्छा, बहुत जल्दी जवाब भेजा इन लोगों ने, लिखा क्या है? लड़की की फोटो तो उन्हें पसंद आ गई। वो तो पसंद आनी ही थी। तनापा, ये संयोग तुमने जमाया है। आप लोग तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे रिश्ता पक्का हो गया। हो ही गया समझिए। फोटो पसंद कर लेने से क्या होता है, अभी राम जाने कितनी अड़चने बाकी है। जो भी हो, ये सोचो अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें फौरन उन्हें मद्रास आने के लिए चिट्ठी लिख देनी चाहिए। जो भी लड़की का देखना दिखाना होगा सब भाई साहब के घर पर हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हम अपनी बेटी का प्रदर्शन करते फिरेंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, वो सब पुराने जमाने के तौर तरीके छोड़ो, हम फौरन कामाक्षी को लेकर मद्रास नहीं पहुंचे तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। तो ठीक है, जो जी में आए करो। माफ करना सर, आपके आपसी मामले में मेरा बोलना ठीक नहीं, पर मेरा एक निवेदन है। हाँ हाँ बोलो। जो बात साल भर के पत्र व्यवहार से पक्की नहीं हो सकती है ना, वो कभी कभी एक घंटे भर की बातचीत से पक्की हो सकती है। हाँ, आप एक पोस्टमैन की सलाह मानिए और रेल से फौरन मद्रास रवाना हो जाइए। माँ जी, आपके घर गए थे, पता चला आप यहाँ हैं। चिट्ठी है मद्रास से आपके नाम। साहब की लिखाई देखते ही हम पहचान गए। कोई समाचार? वो लोग देखने आए उधर? हाँ, उन लोगों ने कामाक्षी को पसंद कर लिया। अच्छा, और क्या लिखा है? हे भगवान, ये लोग कहते हैं शादी इसी महीने की 20 तारीख तक हो जानी चाहिए। क्यों? ये मुहूर्त निकल गया तो लड़का अगले 3 साल तक शादी नहीं कर पाएगा। कुछ समझ में नहीं आता, अब 20 तारीख में कितने दिन रह गए? सब हो जाएगा, आप देखना सब हो जाएगा। आज विनायक के मंदिर में नारियल चढ़ाना होगा मुझे। अब ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें शादी की जल्दी हमसे ज्यादा है। बड़ा ऊंचा भाग लिखा कर आई है कामाक्षी। उन्होंने 20 मई कहा, हमने 20 मई की तैयारी कर ली। तब तो मुझे आज ही छुट्टी की अर्जी देनी पड़ेगी। अरे ये तो मालगुड़ी की सबसे बड़ी शादी होगी। 5,000 रुपए में ऐसा थाट जमेगा कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। भाई साहब कल ही रुपए भेज रहे हैं, अब जल्द से जल्द निमंत्रण पत्रिकाएं छापनी पड़ेंगी, पोस्ट करनी पड़ेंगी। हाँ तानप्पा, तानप्पा, कंपनी से कोई चिट्ठी आई है मेरे? कोई चिट्ठी नहीं, 20 तारीख तक मुझे अकेला छोड़ दो, उसके बाद चाहो तुम्हारे घर आकर बैठूंगा। थानप्पा, थानप्पा, क्या है? मैंने कहा अरे बाबा, रामानुजम के घर की चिट्ठी है, अर्जेंट है। अर्जेंट है? ब्रदर के जारी हैड सीवियर हार्ट अटैक। खाने के लिए केले के पत्ते रख दिए अंदर? हाँ ठीक से कर, ऊपर रखो ना। हाँ संभाल के। तुम क्या कर रहे हो? लगाओ तो नहीं, लगाओ लगाओ। कितनी प्यारी लगती है ना।
ठहरो, तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। ये है थानापा। नमस्ते। ये है हमारे दामाद। बैठिए बैठिए बैठिए। बड़ी खुशी की बात है, आप जैसा अच्छा वर इस घर को मिला। कामाक्षी पैदा भी नहीं हुई थी तब से आता हूं मैं इस घर पर चिट्ठी देने। मैं हमेशा कहता था कि कामाक्षी को एक बहुत अच्छा वर मिलेगा। एक मिनट थनप्पा, सब कुछ निपट जाए बिना किसी विघ्न के तो समझिए गंगा ना लिए। चिंता मत कीजिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे जो बन सकता था वो आपने किया है। हाँ हाँ। और मैं एक बात कहूंगा, ये लोग भी बड़े सज्जन हैं। अच्छा, मैं मीनाक्षी से मिलकर आता हूँ, तुम दामाद के पास बैठो। हाँ थनप्पा, भाई साहब की कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी? हाँ नहीं, मेरा मतलब है दूल्हे के नाम थोड़े बधाई के पत्र हैं, और तो कुछ नहीं। कमाल है, खुद आते भी नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। जानता था, हे भगवान। खाने की तैयारी करो। तुम्हें सुखी रखे कामाक्षी बेटिया, अब तो चली जाएगी तू, पंख खोल कर उड़ जाएगी। ये विनायक मुदली स्ट्रीट, ये थानप्पा पोस्टमैन, सब भूल जाएगी, है ना? ओ थानप्पा, आओ आओ, सब कुछ अच्छे से निपट गया, विदाई कर दी, सब बड़े प्रसन्न हो गए। क्या हुआ था नपा, कोई खास बात? ये चिट्ठी पढ़ लीजिए सर। हे भगवान, भाई साहब सख्त बीमार हैं, मुझे फौरन मद्रास पहुंचना चाहिए। एक मिनट सर, ये तार भी पढ़ लीजिए। क्या क्या हुआ? भाई साहब चल बसे, मुझे जाना होगा। एक मिनट सर, मुझे एक बात कहनी है, जरा चिट्ठी की तारीख देख लीजिए, तार के भी। तारीख? ये तो 18 की है, मतलब 4 दिन पहले। हाँ सर, और तार अगले दिन आया, पर मैंने दिया नहीं आपको, सोचा शादी के कार्य में विघ्न पड़ जाएगा। थानप्पा ये तुमने? अगर मुझे ये पता लग जाता तो ये शादी कभी। इसलिए मैंने तार दिया नहीं सर आपको, मैं जानता था कि मृत्यु की खबर सुनते ही आप शादी रोक देंगे। आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं सर, ये अपराध है और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, शिकायत तो नहीं करूंगा थानप्पा, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि ये सब ऐसे हुआ। हाँ सर, मुझे भी अफसोस है।
Ta na 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 na